हेलो फ्रेंड्स, विजयास क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आपका। दोस्तों, अपराजिता का पौधा घर में सुख शांति और बरकत रखने वाला पौधा मानते हैं। कहते हैं ये रोगों को पराजित करता है, इसलिए इसे अपराजिता कहते हैं। साथ में इसको विष्णुकांत और शंख पुष्पी भी बोला जाता है। इसको बरकत वाला इसलिए मानते हैं क्योंकि इसको आप किसी भी परिस्थिति में रखिए, चाहे इसकी केयर करें ना करें, बस पानी देते रहें, ये जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है। और कई जगह बताते हैं ये जो अपराजिता का पौधा जहाँ लगा रहता है, उस घर के जो मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं और उनको जो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स लाइफ में होती रहती हैं, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी भी लाता है। और नवरात्र में जो देवी का पूजन होता है, उसमें नवरात्र में 9 दिन इसको चढ़ाना बहुत अच्छा मानते हैं। और दिवाली में भी लक्ष्मी माँ को भी चढ़ाया जाता है ये। जो भी हो दोस्तों, इसको देखने से तो मन खुश हो जाता है, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है कि दूसरे पौधों से काफ़ी अलग लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये फूल जो है वो उल्टे लटके हुए हैं। इसमें जो है वो 2 कलर्स आते हैं, ये पर्पल वाला तो आप देख ही रहे हो, इसके सिवा एक वाइट भी आता है, साथ में सिंगल और डबल पेटल का भी आता है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये डबल पेटल का है। इससे पहले, कुछ दिन पहले हमने जो वीडियो एक बनाया था, उसमें मैंने आपको सिंगल पेटल का दिखाया था। इस प्लांट की जो जड़ है, पत्तियाँ, फल, फूल, बीज, सभी की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसके फूलों की चाय बनती है। क्योंकि ये एक बेल है, इसलिए इसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़मीन में पड़े पड़े ये अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होगा। ये देखिए, मेरा ये पर्पल ब्लू वाला है और ये वाला जो है वाइट वाला है। इसको हमने फरवरी में नर्सरी से ख़रीद करके लाके लगाया था। एक्चुअली ये डबल पेटल का मेरे पास था नहीं, सिंगल पेटल का था, तो बहुत छोटा सा था। फिर इसमें आप देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया है ये। और इसको लगाने के लिए कोई विशेष तरह की सॉइल नहीं बनानी पड़ती है। जो नीचे हमारे लगा है ग्राउंड फ्लोर में, वो तो बिल्कुल साधारण सॉइल में लगा हुआ है। और ये वाली जो है, इसमें हमने एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट कोकोपीट और कंपोस्ट केवल मिला करके लगा दिया है। इसमें भी अच्छा से चल रहा है। इसको पानी जो है, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट ऐसा है कि इसे मिट्टी में नमी सी दिखाई देनी चाहिए, नमी सी बनी रहनी चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। इसके जो जितने भी लीफ नोड है, सबके पास से फूल निकलते हैं। ये देखिए, यहाँ से नई ब्रांच निकलेगी। जैसे और पौधे होते हैं, टिप में जा कर के फूलों का गुच्छा बनता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये देखिए लीफ नोड है, इसके पास से इसमें देखिए फूल निकला है। और जब ये फूल सूख जाएगा तो इसके ये बगल वाली, ये वाली ब्रांच है, ये तेज़ी से ग्रो होने लगेगी। इसलिए जैसे ही आपका ये फूल सूखे, इसको आप तुरंत हटा दीजिए। ये देखिए, हर जगह लीफ नोड के पास ही नई ब्रांच फूट रही है और नई लीफ नोड के ही पास इसका फ्लावर निकलता रहता है। तो इसलिए आप जो है इसमें जो, अगर सीड, अगर आप सोचो कि सीड पाना है, तो सीड अगर आपका छोटा प्लांट है, अभी बेबी प्लांट है, तो वो अभी सीड उसमें नहीं बनेगा। सीड कब बनेगा? जब रेनी सीजन आने लगेगा। तो अभी आप प्लांट को घना बनाओ। घना बनाने के लिए ये है कि जो भी इसकी लंबी लंबी से टिप हो रही है, जो काफ़ी लंबी सी शूट हो रही है, उसको आप ऊपर से पिंच कर दो। 1.5 इंच पिंच कर दोगे तो जो नया इसके पास से जो नई ब्रांचेज हैं, नई शूट्स हैं, वो निकलेंगी। और फिर जितनी भी नई नई शूट्स निकलेंगी, सब में से लीफ नोड के पास से नए नए फूल बनेंगे। दोस्तों, इसको जो है आप फुल सनलाइट में रखो, चल जाएगा ये प्लांट। पार्शियल में भी चल जाता है, लेकिन पार्शियल में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और पानी का तो बताया आपको कि पानी इतना चाहिए कि मिट्टी जो है मॉइस्ट रहे, हल्की हल्की। ड्राई कर रख देंगे तो फिर ड्राई से इसके फ्लावर्स जो हैं बहुत जल्दी इसके गिर जाते हैं। और लेकिन इतना ध्यान रखना, इतना पानी मत भर देना कि गीला गीला दिखाई दे बिल्कुल, नहीं तो फिर रूट रॉट हो जाएगा, फिर प्लांट आपका मर जाएगा, फिर बच नहीं पाएगा आप। और इसकी आप जो फूलों की है, चाय भी बना के पी सकते हो। चाय जो है वो थकावट दूर करती है, मूड को फ्रेश करती है। इसके फूलों को अगर पानी में आप डाल करके उबालोगे, तो जो पानी का कलर, ये फूल वाला का जो कलर है ना, ब्लू सा वैसा हो जाएगा। और तब तो आप इसको चाय के रूप में पी सकते हो, चीनी मिला करके। अगर उसी पानी को आपने ठंडा कर दिया
और उसमें नींबू निचोड़ दिया आपने, तो उसको आप शरबत बना के पी लो। और शरबत का तब जो कलर है नींबू निचोड़ने से, वो पिंक कलर हो जाएगा, जो कि बहुत सुंदर लगता है। इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं रहते हैं, आप आराम से पी सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।